सारी चीज़ रिक्रूटमेंट क्या होता है कि हम लो इंटेंसिटी पेशेंट को सुनाई ही नहीं देगा, और जब जैसे हम साउंड बढ़ाएंगे तो उसको बहुत ही पेनफुल लाउड साउंड लगेगी। तो ये कॉकलियर पैथोलॉजी में ऐसा होता है, तो हम लो साउंड देके ये चेक कर लेंगे कि उसको कोई कॉकलियर पैथोलॉजी है या नहीं, इसलिए भी ये बहुत हेल्पफुल है अकॉस्टिक रिफ्लेक्स। इसके अलावा हम जो है ना एट्थ नर्व की लेजन चेक कर रहे हैं, ये वाली वेस्टिबुलर कॉकलियर की, ठीक है। असिस्टेंट नोट ऑफ 500 या 1000 हर्ट्ज का हम डिलीवर करते हैं 10 डेसिबल पे अबव द अकॉस्टिक रिफ्लेक्स थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कितना है, 70 या 100 होता है ना, उससे भी अबव पे हम देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 10 सेकेंड तक। और फिर हम जो है ना रिफ्लेक्स एम्पलीट्यूड को लाएंगे 50% की तरफ, तो हमें एबनॉर्मल एडाप्टेशन मिलेगी और इंडिकेटिव है कि एट्थ नर्व की लेजन है। इसको हम कहते हैं स्टेपीडियल रिफ्लेक्स डिके। ये ना न्यूरोमा वगैरह जैसा हो गया या एट्थ नर्व की कोई भी लेजन हो गई तो उसमें हमें ऐसा ये डिके मिलता है, ठीक है। यानी हमें इतनी साउंड ज़्यादा दी है थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा, उसके बाद भी जो है वो उसकी जो कम हो गया 50% तक, एबनॉर्मल एडाप्टेशन हो गई है, तो उसका मतलब इसको एट्थ नर्व की लेजन है। देन है लेजन ऑफ द फेशियल नर्व, भी हम इससे चेक कर सकते हैं, फेशियल नर्व को सप्लाई कर रहा है ना, तो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स जब नहीं मिलेगा जब उसकी हेयरिंग नॉर्मल होती है तो हमें, यानी उसकी हेयरिंग नॉर्मल लेकिन उसका स्टेपीडियल रिफ्लेक्स जो हमें एब्सेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि उसको फेशियल नर्व की लेजन है लेकिन प्रॉक्सिमल टू द स्टेपीडियस, ठीक है। क्योंकि नर्व टू द स्टेपीडियस जो निकलती है ना उसमें से, उससे पहले ही उसको लेजन हो गई है, तो स्टेपीडियस को नर्व सप्लाई नहीं है, बाकी फेशियल नर्व उसकी सही है। इसके अलावा ये रिफ्लेक्स जो है हम ना ये हम प्रोग्नोसिस फाइंड करने के लिए भी ऑफ द फेशियल पैरालिसिस हम यूज़ करते हैं, जैसा कि अपीयरेंस ऑफ रिफ्लेक्स आफ्टर इट वॉज एबसेंट इंडिकेट्स अ रिटर्न ऑफ फंक्शन एंड फेवरेबल प्रोग्नोसिस। यानी पहले एबसेंट था लेकिन अब सही हो गया है, रिफ्लेक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है और फेशियल पैरालिसिस के बाद अच्छी प्रोग्नोसिस होगी, तो उसके लिए भी हम ये वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है, फेशियल नर्व की प्रोग्रेशन देखने के लिए कि सही हो गई है। यानी देन हम लेशंस ऑफ द ब्रेन स्टेम भी चेक कर लेते हैं, अगर इप्सिलेटरल रिफ्लेक्स, अगर यानी पेशेंट को इप्सिलेटरल रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, यानी ये वाला इसका पाथवे सही आ रहा है लेकिन उसको जो कॉन्ट्रालेटरल रिफ्लेक्स नहीं है, इसका ये मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, रिफ्लेक्स नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब है कि जब जहाँ पे जो है पाथवे क्रॉस करता है ना इस लेवल पे, यहाँ पे कोई उसको ब्रेन स्टेम में लेशन है, तो इस वाले टेस्ट से, अकॉस्टिक रिफ्लेक्स टेस्ट से हमें ब्रेन स्टेम की लेशंस का भी पता चल जाता है। बहुत से देखें अच्छे से यूजेस हैं इसके। उसके बाद है फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द एयर कनाल। अकॉस्टिक इमिटेंस कैन ऑल्सो मेजर द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द एयर बिटवीन द प्रॉब टिप एंड द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, वो प्रॉब जो था ना उसकी टिप और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे एयर में कितना फिजिकल वॉल्यूम है, वो भी जो है ना अकॉस्टिक इमिटेंस से मेजर हो सकता है। नॉर्मली 1 होता है, 1.0 ml बच्चों में और 2 ml एडल्ट्स में होता है। अगर इंक्रीज मिलता है हमें वॉल्यूम का, यानी मोर देन 2 ml मिलता है हमें बच्चों में, जो कि एडल्ट्स में होना चाहिए, मोर देन 2 ml बच्चों में मिल रहा है और 2.5 ml से ज़्यादा एडल्ट्स में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो गई है, क्योंकि जो मिडल ईयर जो वॉल्यूम है ना वो एडअप होता है टू द वॉल्यूम ऑफ द एक्सटर्नल ईयर कनाल, एंड दिस हैज़ टू बी यूज टू फाइंड द पेटेंसी ऑफ द वेंटिलेशन ट्यूब। यानी यूस्ट्रेशन ट्यूब की जो है पेटेंसी को भी हम इसको फाइंड कर रहे हैं, और इसके अलावा यानी जाहिर सी बात है वो मिडल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो गई है जिसकी वजह से दोनों वॉल्यूम एडअप हो गए और ज़्यादा वैल्यू मिल रही है हमें, ठीक है, तो इस तरह से हम मेयर करते हैं। देन आते हैं हमारे पास स्पेशल टेस्ट ऑफ हेयरिंग। पहले हमने क्लिनिकल टेस्ट पढ़े सारे, फिर हमने ऑडियोमेट्रिक टेस्ट पढ़े, अब आते हैं स्पेशल टेस्ट हेयरिंग के। इसमें सबसे पहला है रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया कि फिनोमेना है ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ लाउडनेस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुनाई दे पेशेंट को एबनॉर्मली, तो वो कान जो कि लो इंटेंसिटी के साउंड नहीं सुन पाता ना, वो कान वो अचानक से सुनना शुरू कर देता है हाई है ग्रेटर इंटेंसिटी साउंड एज अ लाउड या फिर इवन लाउडर साउंड उसको सुनाई देगी देन द नॉर्मल हियरिंग एयर, ठीक है। थस लाउड साउंड जो है ना वो बर्दाश्त के काबिल होती है नॉर्मल ईयर में, यानी नॉर्मल हियरिंग तक वो नॉर्मल वो साउंड जो कि यानी टॉलरेबल होती है नॉर्मल ईयर में, वो ग्रो कर जाएगी टू एबनॉर्मल लेवल ऑफ लाउडनेस तक, ठीक है, इन द रिक्रूटिंग ईयर, और फिर वो इनटॉलरेबल हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। अब पेशेंट जो है ना विथ रिक्रूटमेंट वाले जो पेशेंट होते हैं वो पुअर कैंडिडेट्स होते हैं फॉर हियरिंग एड्स, यानी हम उनको हियरिंग एड्स भी नहीं दे सकते क्योंकि अब उनको जो आवाज़ सुनाई देगी वो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा सुनाई देगी, ठीक है। रिक्रूटमेंट जो है वो कौन सी लेजन्स में मिलती है हमें, कॉकलिया की लेजन होगी ना जिन पेशेंट को, तो उनमें रिक्रूटमेंट होती है, जैसे मिनियर्स डिजीज़ वाले पेशेंट या प्रेस बाइक्यूसिस एज रिलेटेड जो हेयरिंग लॉस होता है, तो उनको ये सेंसिटिविटी टू हेयरिंग होती है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं रिक्रूटमेंट इज़ द सेंसिटिविटी टू हेयरिंग।
तो थस ये हेल्प करता है हमें डिफ्रेंशिएट करने में कोक्लियर फ्रॉम अ रेट्रो कोक्लियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। क्योंकि रेट्रो में हमारी 8th क्रेनियल नर्व की लेजन हो रही थी और कोक्लियर में जो है वो कोक्लिया की डिजीज़ है, तो इससे भी हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। देन है अल्टरनेट बिनॉरल लाउडनेस बैलेंस टेस्ट। अब ये हम जो है ना टेस्ट करते हैं ताकि हम रिक्रूटमेंट को डिटेक्ट करें इन यूनिलेटरल केसेस, यानी किसी एक कान में अगर, जैसे कि हम टोन जो है ना, जैसे 1000 हर्ट्ज़ की जो टोन है वो प्ले करते हैं अल्टरनेटली टू द नॉर्मल एंड द अफेक्टेड ईयर, एंड द इंटेंसिटी इन द अफेक्टेड ईयर जो है उसको हम एडजस्ट करेंगे टू मैच द लाउडनेस इन द नॉर्मल ईयर। टेस्ट को हम जो है 20 डेसिबल पर स्टार्ट करेंगे। इस फिगर में भी आप साथ साथ देखते जाएं, तो टेस्ट को जो है हम वो 20 डेसिबल पर एक तो स्टार्ट करेंगे अबव द थ्रेशोल्ड ऑफ द डेफ ईयर, ठीक है, और फिर हम उसको रिपीट करते जाएंगे 20 डेसिबल्स पे, ताकि जब तक के जो है वो लाउडनेस जो मैच हो जाए और लिमिट कर जाए ऑडियोमीटर लिमिट तक आ जाए, 20 करके हम बढ़ाते जाएंगे। अब जो कंडक्टिव वाला जो हेयरिंग लॉस है और जो न्यूरल डेफनेस है उनमें जो है ना इनिशियल डिफरेंस जो होगा इनिशियल वाला वो मेनटेन रहेगा थ्रू आउट। देखिए ये डिफरेंस आ रहा है 20 का, यहाँ पे इसमें कोक्लियर वाले में 30 का ये डिफरेंस आ रहा है, तो इनिशियली तो 20 का डिफरेंस आ रहा है कंडक्टिव वाले में और रहेगा, लेकिन जो कोक्लियर वाली है उसमें जो है पार्शल या कंप्लीट हमें मिलेगी, या फिर ओवर रिक्रूट में भी देखी जा सकती है। देखिए बिल्कुल ये सीधा हो गया है, पार्शल था पहले फिर कंप्लीट हो गया इस यानी इसमें तो डिफरेंस मेंटेन रहा कंडक्टिव में, लेकिन इसमें कोक्लियर वाले में जो है वो ओवर रिक्रूटमेंट भी हो गई या पार्शल या कंप्लीट हो सकती है। तो इस तरह से हम ये डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो गया हमारे पास अल्टरनेट बाइनोरल लाउडनेस बैलेंस टेस्ट, ठीक है, ये यूनिलेटरल केसेस में करते हैं। दूसरी स्पेशल टेस्ट कौन सी है हियरिंग की, SISI टेस्ट, यानी शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट जिनको कॉक्लियर लेशन होती है उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं स्मॉलर चेंजेस इन द इंटेंसिटी ऑफ द प्योर टोन बेटर देन द नॉर्मल पर्सन एंड दोज विद द कंडक्टिव और रेट्रो कॉक्लियर पैथोलॉजी। यानी यहाँ ये कह रहा है कि वो पेशेंट जिनको कॉक्लियर लेशन होती है ना वो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, किस चीज़ को डिस्टिंग्विश करते हैं, स्मॉलर चेंजेस इन द इंटेंसिटी ऑफ प्योर टोन, छोटे छोटे चेंजेस अगर हम लाएं प्योर टोन में तो चेंज करें इंटेंसिटी को, तो वो जो कॉक्लियर लेशन वाले पेशेंट हैं वो इजीली कर लेते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन या फिर जिनको कंडक्टिव या रेट्रो कॉक्लियर पैथोलॉजी है। तो SISI टेस्ट जो होता है ना ये थस डिफरेंशिएट करता है कॉक्लियर को फ्रॉम द रेट्रो कॉक्लियर लेशन के साथ, इससे वो डिफरेंशिएट करने के लिए हम करते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है कि हम कंटिन्यूस टोन जो है वो प्रेजेंट करते हैं 20 डेसिबल अबव द थ्रेशोल्ड और फिर हम जो उसको सस्टेन रखते हैं 2 मिनट तक। अब हर 5 सेकंड में जो है वो टोन बढ़ाते जाएंगे 1 डेसिबल से और इस तरह के 20 ब्लिप्स जो है हम पेशेंट को सुनाएंगे, यानी उसमें हमने 1 डेसिबल का इजाफा किया है, ठीक है, बार बार 20 बार करेंगे। अब पेशेंट जो है हमें बता देगा कि उसको कितनी ब्लिप्स जो है वो सुनाई दिए या ब्लिप्स सुनाई दिए, ठीक है, यानी वो डिफ्रेंशिएट कर लेगा। एक तो प्योर टोन चल रही थी ना उसमें फिर हमने उसको इंटेंसिटी को बढ़ाया है 1 डेसिबल से, तो वो डिफरेंशिएट कर लेगा। कंडक्टिव डेफनेस में क्या होता है कि SISI स्कोर जो है ना वो सेल्डम मोर देन 15% होगा, मतलब कंडक्टिव वाले में मुश्किल ही है कि वो 15% से ज़्यादा हो, और 70 या 100% होगा कॉकलियर डेफनेस में, इतना ज़्यादा इसका स्कोर होगा, क्योंकि वो हमने मैंने बताया कि कॉकलियर वाले इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हैं टोन की अगर इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो, और अगर वो नर्व डेफनेस है किसी को यानी रेट्रो कॉकलियर सेंट्रल को ही है तो वो 0 to 20% जो है उसका SSI स्कोर होगा। इस तरह से हम SISI टेस्ट करते हैं शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स। देन तीसरा होता है हमारे पास थ्रेश होल्ड टोन डिके टेस्ट। अब ये असल में मेजर ऑफ नर्व फटीग होता है, ठीक है, इसमें नर्व फटीग चेक करते हैं और हम डिटेक्ट करते हैं रेट्रो कॉक्लियर लेशंस को यानी हमारी 8th क्रेनियल नर्व की लेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है नॉर्मली जो लोग होते हैं ना पर्सन वो कोई भी टोन को 60 सेकंड तक मुसलसल सुन सकता है, एक टोन को 60 सेकंड उसको सुनाई देगी। अब नर्व फटीग में वो सुनना स्टॉप कर जाएगा अर्लियर यानी 60 से पहले उसको बंद हो जाएगा सुनाई देना। तो थ्रेशोल्ड जो होता है ना टोन डिके का टेस्ट, थ्रेशोल्ड टोन डिके टेस्ट जो है ये सिंपल होता है और परफॉर्म कैसे होता है आगे हम देखते हैं। सबसे पहले जो हम 4000 हर्ट्ज़ की टोन जो है ना वो उसको प्रेजेंट करेंगे पेशेंट को 50 डेसिबल पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी 4000 है और 50 डेसिबल पे हम प्रेजेंट करेंगे एट द पेशेंट अबव द पेशेंट थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग और वो हम कंटिन्यूसली उसको 60 सेकंड तक जो है वो सुनाई देंगे।
अगर पेशेंट जो स्टॉप कर जाता है हियरिंग अर्लियर, यानी वो कहेगा आप मुझे नहीं सुनाई दे रहे जल्द पहले ही अर्लियर, तो इंटेंसिटी को हम फिर से बढ़ाएंगे बाय अनदर 5 डेसिबल और ज़्यादा उसको देंगे, ठीक है, पहले 5 थे और ज़्यादा 5 करेंगे। तो इसी तरह हम प्रोसीजर को कंटिन्यू रखेंगे टिल जो है वो पेशेंट को कंटिन्यूसली 60 सेकंड सुनाई ना दे, तब तक हम बढ़ाते जाएंगे, जब तक कहे कि हाँ अब मुझे सही तक सुनाई दिया है। 60 जब तक सेकंड नहीं हो जाते तब तक हमने उसके बढ़ाने, या फिर जब तक नो लेवल एग्जिस्ट अबव द थ्रेशोल्ड वेयर टोन इज ऑडिबल फॉर फुल 60 सेकंड। अब रिजल्ट जो है उसका क्या आएगा, जो आएगा उसको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ डेसिबल ऑफ डिके की फॉर्म में, और डिके मोर देन 25 डेसिबल, यानी कि हमने 5 शुरू में किए तो अभी इसको सुनाई नहीं दिया तो हमने और 5 डेसिबल ऐड किए, तो ये 5 डेसिबल हुआ, ठीक है, फिर भी इसको नहीं 60 तक सुनाई दिया तो हमने और 5 ऐड किए, तो इस तरह 10 डेसिबल हो गया। तो जब अगर किसी पेशेंट को 25 डेसिबल से ज़्यादा रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब है कि उसको ये डायग्नोस्टिक है कि उसको रेट्रोकोक्लियर लेशन है, ठीक है, ये नर्व फटीक टेस्ट है। देन होता है एक इवोक्ड ऑडियोमेट्री, इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, ये भी एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ऑडिटरी पाथवे इन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटरी स्टिमुलाई। जब कोई भी स्टिमुलाई दिया तो ऑडिटरी पाथवे में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई वो इससे मेजर होगी, ठीक है। अब इसमें जो हमें स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है एवरेजिंग कंप्यूटर का, इसमें सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं इवोक इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स के, लेकिन सिर्फ 2 को जो है ना वो क्लिनिकल एक्सेप्टेंस मिली है। अब वो कौन से कंपोनेंट्स है, एक है इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, और इसके अलावा जो है ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स ABR, ठीक है। सबसे पहला है इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स को जो है ना वो मेजर करता है जो कोक्लिया में अराइज करते हैं और क्रेनियल नर्व नंबर 8 में, उन पोटेंशियल्स को इन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटरी स्टिमुलाई विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स। रिस्पॉन्स जो होता है ना वो 3 फिनोमेना के फॉर्म में होता है, एक होता है कोक्लियर माइक्रोफोनिक्स, सबमिटिंग पोटेंशियल्स एंड द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द 8th नर्व। रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड जो होता है ना वो यूजुअली एक थिन नीडल होती है जो कि हम पास करते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से ऑन टू द प्रोमोन्ट्री की तरफ, ठीक है, वहाँ पे ले जाएंगे वो थिन नीडल। एडल्ट्स में जो है ये प्रोसीजर हम लोकल एनेस्थीसिया देके कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में और जो एंशियस लोग होते हैं उनको हम सेडेशन देंगे और जनरल एनेस्थीसिया भी देंगे। सेडेशन जो है ना वो इंटरफेयर नहीं करेगी रिस्पॉन्स के साथ, ठीक है, तो वो हम दे सकते हैं। अब इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी जो है वो यूज़फुल है, एक तो हम जो है फाइन थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग जो है वो बच्चों का और चिल्ड्रंस का फाइंड आउट कर लेते हैं विद इन 5 to 10 डेसिबल, और दूसरा इसका क्या यूज़ है कि हम ना डिफ्रेंशिएट करते हैं लेजन ऑफ द कोक्लिया को फ्रॉम डोज ऑफ द 8th क्रेनियल नर्व, ठीक है। अगर हम फिगर देखें 4.9, तो ये देखिए इसमें जो हमें इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी दिखाई गई है ये नॉर्मल ईयर की है और यहाँ पे ईयर विद मिनियर्स डिजीज़ है। वोल्टेज जो है ना समेटिंग पोटेंशियल जो है SP, ये कंपेयर किया गया विद दैट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल के साथ। नॉर्मली SP जो है वो 30% होता है ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसका जो रेशियो है SP का, समेटिंग पोटेंशियल का और एक्शन पोटेंशियल का, ये देखें बढ़ गया है मिनियर्स डिजीज़ में ये रेशियो नॉर्मली, लेकिन 30% होता है। तो हमने कहा इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री में 2 होते हैं, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी हमने कर ली, दूसरी है ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स ABR, ठीक है, इसको BAER या BAEP भी कहते हैं, ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड रिस्पॉन्स या पोटेंशियल। इसके अलावा इसको बीरा भी कहते हैं, BERA, बीरा, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। अब ये हम जो है ना करते हैं टू एलिसाइड द ब्रेन स्टेम का रिस्पॉन्स, एलिसाइड करते हैं टू ऑडिटरी स्टिमुलेशन बाय द क्लिक्स और टोन बर्स्ट। यानी हमने ऑडिटरी रिस्पॉन्स दिया, एक स्टिमुलाई दिया पेशेंट को क्लिक्स या बर्स्ट की फॉर्म में, और फिर उसके बाद हम उसकी जो है वो ब्रेन स्टेम की स्टिमुलेशन को मेजर करेंगे, ब्रेन स्टेम का रिस्पॉन्स जो है वो चेक करेंगे। तो ये एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है और इसमें हम जो है ना सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे चेक करें, जाहिर सी बात है ब्रेन स्टेम में से वही पास करते हैं थ्रू द 8th नर्व, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। अब इस मेथड में हम जो है ना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू सेवरल क्लिक या स्टिमुलाई या टोन बर्स्ट देके, और फिर वो जब वर्टेक्स पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, सरफेस इलेक्ट्रोड्स, वो लगा के फिर वो पोटेंशियल चेक करते हैं। तो इसमें जो है सेंसिटिविटी जो है वो मेजर होती है, हेयरिंग सेंसिटिविटी मेजर कर लेते हैं 1000 से 4000 हर्ट्स वाली। नॉर्मल पर्सन में हमें जो ना 7 वेव्स मिलेंगी इस पे, पहले 10 मिनट्स में हमें जो है 7 वेव्स मिलेंगी। देखिए ये वाला फिगर भी देखते जाएं तो इस तरह से ये 7 वेव हमें नॉर्मल पर्सन में मिलती है। जो फर्स्ट, थर्ड और ये जो 5th वेव है ये जो है मोस्ट स्टेबल होती हैं और ये मेजरमेंट्स में यूज़ होती हैं। वेव्स को जो हम स्टडी करते हैं फॉर द एब्सोल्यूट लेटेंसी, इंटर वेव, इन दोनों दो वेव्स के आपस की लेटेंसी जो कि स्पेशली 1 और 4 के दर 5 के दरमियान होती है इंटर वेव लेटेंसी, और इसके अलावा हम एम्पलीट्यूड भी जो है ना इसमें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं।
अब एग्जैक्ट जो एनाटॉमिक साइट है ना न्यूरल जनरेटर्स की फॉर द वेरियस वेव्स, वो डिस्प्यूटेड है यहाँ पे, लेकिन लेटेस्ट स्टडीज इंडिकेट करती हैं फॉलोइंग साइट्स, मतलब ये कहाँ पे जनरेट कहाँ पे हो रही है ये वेव्स ब्रेन में। अब ये जो वन वाली वेव है, वेव वन, ये असल में डिस्टल पार्ट ऑफ द क्रैनियल नर्व नंबर 8 यानी वेस्टिबुलर कॉकुलर नर्व जो होती है हमारी, उसके जो डिस्टल पार्ट होता है वहाँ पे ये पोटेंशियल आता है, जिसकी वजह से ये वेव वन प्रोड्यूस होती है। जो वेव टू है, वेव टू प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द क्रैनियल नर्व नंबर 8 पे इन द ब्रेन स्टेम। वेव थ्री हमारे पास जो है वो कॉकुलर न्यूक्लियाई में प्रोड्यूस होती है। ये वेव फोर सुपीरियर ओलाइवरी कॉम्प्लेक्स में, वेव फाइव हमारे पास लेटरल लेमिनिस्कस में, और सिक्स वाली जो है, और सेवन भी होती है, तो ये इन्फीरियर कॉलिक्यूलस में। ठीक है, इस तरह से ये इनके साइट्स हैं, न्यूरल जनरेटर्स हैं। ठीक है, एज एन एड मेमोरी रिमेंबर द निमोनिक ई कोलाई, ई से एट, एट कॉकलियर न्यूक्लियस, और ओ से ओलाइवरी कॉम्प्लेक्स, लेटरल लेमिनिस्कस, इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, और इसको जो है आप कंपेयर करें कोलिमा के साथ इन द पाथवे ऑफ हियरिंग, ई कोलिमा। ठीक है, अब ये ABR जो है हमारे पास, ऑडियो ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, ये असल में यूज़ हम किस लिए करते हैं, नंबर वन बच्चों में जो है, ये इन्फेंट्स में स्क्रीनिंग प्रोसीजर की तरह यूज़ किया जाता है, उनमें हम मेजर करते हैं। इसके अलावा हम जो है ना इन्फेंट्स में हेयरिंग थ्रेशोल्ड मेजर करते हैं, इसके अलावा चिल्ड्रंस में भी और एडल्ट्स में भी, और मेलिंगरर्स जो झूठ मूठ के कहते हैं हम बहरे हो गए, उनमें भी हम चेक करते हैं। इसके अलावा हम डायग्नोज करते हैं रेट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी को, यानी इसको जो एट्थ क्रैनियल नर्व की लेजन है, जैसे कि कोई न्यूरोमा हो गया, वो डायग्नोस करने के लिए अकोस्टिक न्यूरोमा। नंबर फोर, हम ब्रेन स्टेम की पैथोलॉजी भी डायग्नोस कर सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई या पोन्टाइन ट्यूमर्स, क्योंकि ये यहाँ पे भी पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं ना इसलिए। एंड नंबर फाइव, एट्थ नर्व को इंट्रा ऑपरेटिवली हम मॉनिटर करते हैं इन द सर्जरी ऑफ अकोस्टिक न्यूरोमा टू प्रिजर्व द फंक्शन ऑफ द कॉकलियर नर्व, यानी हम जो है ना अकोस्टिक न्यूरोमा की सर्जरी में एट्थ नर्व को मॉनिटर करते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, कॉकलियर नर्व को प्रिजर्व करने के लिए। देन है नंबर फाइव, ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ASSR। ठीक है, दो ये जो हमने ABR पढ़ी ना, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स वाली, वो कंडक्ट होती है थ्रू टोन बर्स्ट ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज, कैन प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग इन द इन्फेंट्स टू फिट हेयरिंग एड एट द यंग एज, इट हैज़ लिमिटेशंस, उसको कुछ लिमिटेशंस थी। एक तो इट कैन नॉट टेस्ट हेयरिंग लॉसेज अबव 80 डेसिबल्स, इट कैन नॉट डिटेक्ट हेयरिंग सेंसिटिविटी इन सीवियर टू प्रोफाउंडली डेफ इन्फेंट, उनमें सेंसिटिविटी भी नहीं बताएगी, और 80 डेसिबल्स से ऊपर वाला भी टेस्ट ये नहीं कर पाती, हेयरिंग लॉस जो 80 डेसिबल्स से ऊपर का हो, यानी एक पेशेंट है जो कि 80 पे भी नहीं सुन रहा, तो उसके और बढ़ाएंगे ना, तो वो हम उस वाले से नहीं कर सकते ABR से। दूसरा, हम हेयरिंग सेंसिटिविटी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते सीवियरली डेफ इन्फेंट्स में, तो इसलिए ASSR जो है ना ये यूज़फुल होती है इस तरह की सिचुएशन में। अब ABR की तरह एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट ही है ये, जो कि स्टेडी स्टेट प्योर टोन सिग्नल से यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ द ट्रांजिएंट सिग्नल ऑफ टोन बर्स्ट और क्लिक, जैसा कि हम ABR में क्या कर रहे थे, हम टोन बर्स्ट या क्लिक्स यूज़ कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हमें इसमें हमने एक स्टेडी टोन देनी है। ठीक है, एक कॉन्टीन्यूस एक वॉइस हो। स्टेडी स्टेट सिग्नल्स जो होते हैं ना, ये मॉड्यूलेट होते हैं रैपिडली इन द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, एंड थस ये जो है ना फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक हमें ऑडियोग्राम देते हैं। अब हेयरिंग लॉस जो कि 80 डेसिबल से भी ज़्यादा के हों तो वो भी इसमें डिटेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो हम हेल्प करेगा हमें इन द सिलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर कॉकलियर इम्प्लांटेशन एट एन अर्ली एज, यानी वो बच्चे जिनको कॉकलियर इम्प्लांटेशन की ज़रूरत है वो भी हम इस टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, कि उनको हेयरिंग एड की ज़रूरत है या नहीं, हेयरिंग सेंसिटिविटी हमें बताता है ना इसलिए। देन आता है नेक्स्ट अकोस्टिक एमिशंस, ये क्या होती हैं? अकोस्टिक एमिशंस नाम से पता चल रहा है कि असल में ये एक लो इंटेंसिटी की साउंड्स होती हैं जो कि हमारे आउटर हेयर सेल्स हमारे नॉर्मल कोक्लिया से रिलीज़ हो रही होती हैं, नॉर्मली हर नॉर्मल बंदे में होती हैं। ठीक है, आउटर हेयर सेल से ये लो इंटेंसिटी की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, और ये हम ना एलिसाइड भी कर सकते हैं बाय अ वेरी सेंसिटिव माइक्रोफोन placed in the external canal and analyzed by a computer, प्रोड्यूस करवा के खुद भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, नॉर्मली तो होती है, खुद प्रोड्यूस करवा के फिर कंप्यूटर से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब साउंड जो प्रोड्यूस होती है ना हमारे आउटर हेयर सेल्स से, वो ट्रैवल करती है रिवर्स डायरेक्शन में। कैसे? एक आउटर हेयर सेल से अब इमिशन निकली है, फिर वो बेजिलर मेम्ब्रेन में जाती है, देन पेरिलिम्फ, उसके बाद ओवल विंडो की तरफ आती है, फिर ऑसिकल्स को स्ट्राइक करती है, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एंड देन एयर कनाल में आती है, और फिर वो जो है हमारे कंप्यूटर से एनालाइज कर लेते हैं। ऑटो अकोस्टिक एमिशंस जो होती है ना वो आउटर हेयर सेल्स में प्रेजेंट होती हैं जब वो हेल्दी होते हैं आउटर हेयर सेल, और एब्सेंट होंगी जब वो डैमेज हो जाए।
तो इसीलिए हम जो है ना ये टेस्ट करते हैं ताकि हमें कोकलिया के फंक्शन जो है ना वो पता चले। अब ये डिसअपियर हो जाती हैं एर्थ नर्व की पैथोलॉजी में, एर्थ नर्व की पैथोलॉजी में ये मतलब डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। और जैसा कि कोकलियर हेयर सेल्स जो है वो नॉर्मल रहते हैं, तो सॉरी एर्थ नर्व की पैथोलॉजी में नहीं होगी डिसअपियर। क्यों? क्योंकि ये मेनली कोकलिया का है, कोकलिया में होते हैं ना इनर हेयर सेल्स। तो भले ही एर्थ नर्व की पैथोलॉजी है लेकिन हमें ऑटोकॉस्टिक एमिशंस मिलेंगे। उसके बाद हैं टाइप्स ऑफ द ऑटोकॉस्टिक एमिशन, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ब्रॉडली हमने जो इसको दो तरह में किया है क्लासीफाई, एक होती है स्पॉन्टेनियस, दूसरी इवोक्ड होती है। अब ये जो इवोक्ड वाली होती है ना, ये हम एलिसाइट करते हैं कोई भी साउंड स्टिमुलस दे के। अब स्पॉन्टेनियस वाली देखें, स्पॉन्टेनियस ऑटोअकॉस्टिक एमिशन, तो हमने पढ़ा कि ये हेल्दी नॉर्मल हेयरिंग पर्सन्स में होती हैं, जबकि हेयरिंग लॉस जो है ना वो उन नॉर्मल लोगों में होंगी जिनमें हेयरिंग लॉस 30 डेसिबल से ज़्यादा करना हो, यानी उनको 30 डेसिबल पे भी सुनाई दे रहा हो, उस तरह के पेशेंट हो, तो उनमें जो है नॉर्मल में हमें स्पॉन्टेनियस ऑटोअकॉस्टिक एमिशन मिलेगी। दे मे बी एबसेंट इन द 50% ऑफ द नॉर्मल पर्सन, लेकिन आधी 50% आबादी में ये नॉर्मली नहीं भी होती ऑटोअकॉस्टिक एमिशन, ठीक है। देन दूसरी हमने कहा इवोक्ड ऑटोअकॉस्टिक एमिशन, ये फर्दर डिवाइड हुई है दो टाइप्स में, डिपेंड करता है साउंड के स्टिमुलस पे जो साउंड उनको एलिसाइट करवा रहा है। एक है ट्रांजिएंट इवोक्ड ऑटोअकॉस्टिक एमिशन, दूसरी डिस्टॉर्शन प्रोडक्ट ऑटोअकॉस्टिक एमिशन। जो ट्रांजिएंट वाली है ना वो इवोक होती है क्लिक्स से। अब सीरीज ऑफ क्लिक जो है ना वो क्लिक स्टिमुला है, वो हम 80-85 डेसिबल पे प्रेजेंट करते हैं साउंड प्रेशर लेवल पे, और रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। डिस्टॉर्शन वाली जो है उसमें हम दो टोन्स एक साथ हम कोकलिया को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, टू प्रोड्यूस द डिस्टॉर्शन प्रोडक्ट्स। दे हैव बीन यूज टू टेस्ट द हियरिंग इन द रेंज ऑफ 1000-8000 हर्ट्ज़, ठीक है। इस इतनी रेंज में जो है हमने इसमें चेक करना है, मतलब इसमें बस यही फ़र्क है, इसमें जो 80-85 डेसिबल पे हम क्लिक्स देते हैं और इसमें जो है हम टू टोन्स साथ देते हैं। ये हो गई ऑटोअकॉस्टिक एमिशन। अब इसका यूज़ क्या है? अच्छा, वैसे इसको जो है ना डिस्टॉर्शन प्रोडक्ट ऑटोअकॉस्टिक एमिशंस को, इसको हम जो है कैंप या कॉकलियर एकोस इनको भी कहते हैं, ठीक है। ऑटोअकॉस्टिक एमिशन का दूसरा नाम कैंप या कॉकलियर एकोस भी है। यूज़ इनका जो है डिफरेंट है। एक तो ये नॉन इन्वेसिव है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी और ईजी है करना। तो ऑटोअकॉस्टिक एमिशन जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इन हियरिंग इन द न्यू नेट्स एंड टू टेस्ट द हियरिंग इन द अनकोऑपरेटिव या जो मेंटली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स हैं आफ्टर सेडेशन उनमें। सेडेशन असल में क्योंकि इंटरफेयर नहीं करती ऑटोअकॉस्टिक एमिशन के साथ, इसलिए तो हम ये चेक करते हैं। अनकोऑपरेटिव वगैरह लोगों में भी हम हियरिंग चेक करते हैं। इसके अलावा ये हेल्प करती हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉकलियर को रेट्रोकॉकलियर से डिस्टिंग्विश करने में हियरिंग लॉस में। ऑटोअकॉस्टिक एमिशन जो है ना कॉकलियर लेजन्स में एब्सेंट होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये हेयर सेल्स से आती हैं वो कॉकलिया में ही होते हैं। जैसे कि कोई ऑटोटॉक्सिक सेंसरी न्यूरल किसी को हेयरिंग लॉस है तो उनमें नहीं होंगी। ये डिटेक्ट करती हैं ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट्स अर्लियर देन द प्योर टोन ऑडियोमेट्री, यानी हमें ऑटोअकॉस्टिक एमिशन पर जल्दी नज़र आ जाएंगे ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट्स बनिस्बत अगर हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री करें तो उस पर, तो इस पर जल्दी मिलेंगे। देन है ऑटोअकॉस्टिक एमिशन जो है ना वो यूज़फुल होती हैं टू डायग्नोज द रेट्रोकॉकलियर पैथोलॉजी, यानी एर्थ नर्व की अगर कोई लेजन हो जाए उसको हम डायग्नोज करने के लिए, स्पेशली ऑडिटरी न्यूरोपैथी को हम डायग्नोज कर सकते हैं इनकी मदद से। क्योंकि जो है ना ये हमने पढ़ा कि अगर एर्थ नर्व की लेजन हो जाती है ना, ऑडिटरी न्यूरोपैथी हो जाती है, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर क्रेनियल नर्व नंबर 8 का, तो उसमें ऑटोअकॉस्टिक एमिशंस होंगी, ठीक है, क्योंकि ये तो हेयर सेल्स का मसला है, कॉकलियर का मसला है ना, ये प्रेजेंट होंगी, एमिशंस होंगी। ऑटोमेटिक टेस्ट जैसे कि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस फॉर द प्योर टोन्स, इम्पेयर्ड स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, एब्सेंट और नॉर्मल ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स शो अ रेट्रोकॉकलियर टाइप ऑफ लेजन, बट ऑटोअकॉस्टिक एमिशंस आर नॉर्मल। समझ आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे आपको बताया कि ये रहेंगी क्योंकि ये नर्व का डिफेक्ट है और एमिशंस तो कोकलिया से जनरेट हो रही है। अच्छा, कभी कभी बहुत ज़्यादा नॉइज से जो ट्रॉमा होता है ना, तो उसकी वजह से हमारे आउटर हेयर सेल्स जो है ना वो डैमेज होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर एमिशंस नहीं होंगी प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये भी एक इसके डिस्ट्रक्शन का कॉज है कि क्यों एमिशंस नहीं प्रोड्यूस हो रही, वो नॉइज़ और ट्रॉमा की वजह से। तो ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में होगा, ठीक है। ऑटोअकॉस्टिक एमिशन जो है ना वो 50% ऑफ द नॉर्मल इंडिविजुअल्स में हमें मिलती है। मैंने आपको बताया 50% आबादी में होती ही नहीं है,
इसके अलावा एब्सेंट होती है ऑल्फैक्टरी नहीं होती, ठीक है। लेजन ऑफ द कोक्लिया में नहीं मिलेंगी क्योंकि कोक्लिया में ही सेल्स होते हैं। मिडल ईयर के डिसऑर्डर्स में, जैसा कि साउंड ट्रैवल करती है रिवर्स डायरेक्शन में, तो मिडल ईयर में अगर फ्लूड आ गया, मसला आ गया कोई, तो फिर वो कैसे जाएगी बीच में, ऑसिकल्स में से कैसे आएगी, तो उसमें भी हमें नहीं मिलेंगी। एंड व्हेन हियरिंग लॉस एक्सीड 30 डेसिबल, 30 डेसिबल से कम वाले नॉर्मल लोगों में मिलेंगी, उससे ज़्यादा वाला किसी को हियरिंग लॉस है तो उनमें हमें नहीं मिलेंगी। देन आता है हमारे पास 7, सेंट्रल ऑडिटरी टेस्ट। अब पेशेंट जिनको सेंट्रल ऑडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनको डिफिकल्टी होती है इन हियरिंग इन द नॉइजी सराउंडिंग्स और व्हेन द स्पीच इज डिस्टॉर्टेड एंड नॉट क्लियरली स्पोकन। सेंट्रल ऑडिटरी लेजन होती है वो है 7th क्रेनियल नर्व वाली, ठीक है, यानी वेस्टिबुलर कोक्लियर वाली, तो वो उसको सेंट्रल डिसऑर्डर कहते हैं ऑडिटरी। तो वो मतलब सही सुन नहीं पाते, शोर वाले इन्वायरमेंट में नहीं सुन पाती और डिस्टॉर्ट हो जाती है स्पीच उनकी, जब भी स्पीच डिस्टॉर्ट होती है तो वो सही से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते। अब 3 तरह के डिफरेंट स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट जो है हम इनमें करते हैं। एक होता है मोनोटिक टेस्ट, दूसरी डायकोटिक टेस्ट और तीसरी बाइनोरल टेस्ट। मोनोटिक टेस्ट जो है वो हम प्रेजेंट करते हैं विथ स्पीच मैसेज विच इज़ डिस्टॉर्टेड, यानी इसमें हम जो है डिस्टॉर्टेड ही मैसेज पेशेंट को सुनाएंगे, ठीक है। अब वो तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा ना उसमें, तो पेशेंट विद द लेजन ऑफ द ब्रेन एंड द कॉर्टेक्स हैव द डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द मैसेज, जिनको ब्रेन या कॉर्टेक्स में मसला होगा वो नहीं कर पाएगा उसको अंडरस्टैंड। दूसरा होता है डायकोटिक टेस्ट, तो 2 डिफरेंट स्पीच मैसेजेस जो है ना वो हम प्रेजेंट करेंगे सिमल्टेनियसली। बस ये फर्क है इसके, इसमें 2 दे रहे हैं और 7 दे रहे हैं स्पीच मैसेज, ठीक है, 1 to each ear एंड द पेशेंट इज़ आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द बोथ, कहेंगे अब दोनों वर्ड्स जो है उसको आइडेंटिफाई करें कि क्या बोला गया है। अब इसमें हम ना स्टेगर्ड या स्पॉन्डिक वर्ड्स यूज़ करते हैं। स्टेगर्ड या स्पॉन्डिक वर्ड टेस्ट जो है ना, ये वो है जिसमें 1 वर्ड जो है मोर ऑफन हम यूज़ करते हैं। पेयर्स ऑफ स्पॉन्डिक वर्ड्स अलॉन्ग विद द डिजिट्स या फिर नॉनसेंस वर्ड्स जो है वो भी हम सिमल्टेनियसली प्रेजेंट कर सकते हैं पेशेंट के ईयर में, ठीक है। अब वो पेशेंट जिनको टेम्पोरल लोब की लेजन हो ना, तो उनको डिफ़िकल्टी होगी इन आइडेंटिफाइंग दीज वर्ड्स व्हेन प्रेजेंटेड टू द ईयर ओपोजिट टू दैट साइड ऑफ द लेजन, यानी जिनको जिस ईयर में हमने जो है लेजन है, एक ईयर है जिसमें उसको लेजन है, ठीक है, तो उसमें नहीं, जो ऑपोजिट ईयर होगा ना उसमें उसको डिफ़िकल्टी होगी इन आइडेंटिफाइंग दीज वर्ड्स, ठीक है, जब उसको टेम्पोरल लोब में अगर उसको लेजन है तो ऐसा होगा, जो ऑपोजिट जो ईयर है ना उसमें इसको डिफिकल्टी होगी। लास्ट है बाइनोरल टेस्ट, इसमें जो है ना हम आइडेंटिफाई करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ ईयर, दोनों के इंटीग्रेशन, ठीक है, इस तरह के